हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भारद्वाज, मैं आपके लिए लाया हूँ आप सबका नंबर वन चैनल सीएससी ट्यूट्स फॉर यू, दैट मींस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स फॉर यू, जो आपको प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बेस्ट ट्यूटोरियल्स को। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबाइए ये घंटा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। Hello friends, myself Ravi Bhardwaj, and today I will start our new video tutorial series. Its name is PHP. So friends, our PHP tutorial for beginners and professionals, it will provide the deep knowledge of PHP scripting language. Our PHP tutorial will help you to learn the PHP scripting language very easily. This PHP tutorial cover all the topics of PHP, such as introduction of PHP, control statements, functions, array, string, file handling, form handling, regular expressions, date and time, object-oriented programming in PHP, maths functions, PHP SQL, PHP with AJAX, PHP with jQuery, and PHP with XML. Introduction for PHP. First, PHP stands for Hypertext Preprocessor. PHP का पूरा नाम Hypertext Preprocessor होता है। Second देखते हैं, PHP एक interpreted language है, तो PHP पे बनाए गए प्रोग्राम को हमको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स PHP पे जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को हमको रन करने के लिए एक सर्वर सिस्टम की आवश्यकता होती है, तो हम सर्वर पे ही PHP के प्रोग्राम को रन करते हैं। तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सेकंड नेक्स्ट देखते हैं, PHP पे जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे जो हम प्रोग्राम करते हैं वो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ASP, JSP से ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट है, PHP का यूज हम लोग ज़्यादातर ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन दी सर्वर। जैसे मैंने आपको बताया, PHP जो भी हम लोग PHP स्क्रिप्ट में जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो प्रोग्राम सर्वर के थ्रू, सर्वर कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर पे सर्वर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, देन हम PHP के प्रोग्राम को सिस्टम पे रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। मतलब PHP के सॉफ्टवेयर को, PHP को चलाने के लिए जो हमें सर्वर की जरूरत होती है, PHP पे बनाने के लिए जो एडिटर प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, वो फ्री होता है, जिसे हम इंटरनेट से आसानी के साथ डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। व्हाट इज PHP फाइल? PHP फाइल कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, JavaScript and PHP codes. That means, जब हम PHP पे प्रोग्राम बनाते हैं तो हम PHP में सिंपल टेक्स्ट, HTML के कोड्स, CSS के कोड्स, JavaScript के कोड्स और PHP के कोड्स को हम लोग उस पर राइट कर सकते हैं। ये सारे कोड्स को कंटेन करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो PHP का कोड होता है वो सर्वर कंप्यूटर पे, सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर हमें PHP के प्रोग्राम को रन करना है तो उसके लिए हमें सिस्टम पर पहले सर्वर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, फिर उस सर्वर सॉफ्टवेयर पे हम PHP के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और जो उसका आउटपुट होता है वो वेब ब्राउजर पे HTML के फॉर्म में, प्लेन HTML टेक्स्ट के फॉर्म में प्रिंट होकर के मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम PHP में प्रोग्राम बनाते हैं तो PHP के फाइल को .php एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है। What can PHP do? PHP डायनेमिक पेज कंटेंट्स को जनरेट करता है। PHP वेब सर्वर पर फाइलों को क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट और क्लोज करता है। PHP डेटा को कलेक्ट करता है। PHP कुकीज को सेंड और रिसीव करने का कार्य करता है। PHP डेटा को एड, डिलीट, मॉडिफाई करने का काम करता है डेटाबेस में। PHP यूजर एक्सेस को कंट्रोल करता है। PHP डेटा को इनक्रिप्ट करता है।
पीएचपी पे बनाए गए प्रोग्राम को हम किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, सोलारिस वैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी के साथ रन करा सकते हैं। इस पे बनाए गए वेब पेज, वेबसाइट सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। पीएचपी आज के टाइम में यूज किए जाने वाले सभी सर्वर सॉफ्टवेयर जैसे अपाचे, ग्लासफिश, आईआईएस, जैम सर्वर ऐसे सभी सर्वर्स के लिए कंफर्टेबल होता है। हम इन किसी भी सर्वर पे पीएचपी के प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं और उसे आसानी के साथ रन कर सकते हैं। पीएचपी हर प्रकार के डेटाबेस को सपोर्ट करता है। पीएचपी में हम किसी भी प्रकार से डेटाबेस से कनेक्ट किसी भी प्रकार के डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। पीएचपी इज ए फ्री, पीएचपी फ्री है। हम इसके रिसोर्सेस को इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.php.net से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएचपी को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके कोड्स को आसानी से समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उसके कोड्स को सर्वर साइड पे आसानी के साथ रन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर बटन पे क्लिक करके हमारी इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक बटन पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को लाइक कर लें और अपनी सजेशन हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल सीएससी ट्यूटोरियल्स फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।